दोस्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन तीन चीजों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दीजिए। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन तीन चीजों को कभी भी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आपको बता दें, आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीजों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि आप कुछ भी पहन लीजिए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान पर भी आ जाती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर वो तीन चीजें ऐसी कौन सी है जो महिलाओं को कभी भी नहीं पहननी चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ताकि भोले भंडारी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए और भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाते रहे। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर एक, शास्त्रों में स्पष्ट बता दिया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफा चट सफेद रंग का वस्त्र कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें, आजकल के इस फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए कई सारी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी भी महिला को एकदम सफा चट सफेद रंग की साड़ी या सूट कभी भी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि सफेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्तों में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है, क्योंकि ये लिबास विधवा होने का संकेत है। सफेद रंग वो होता है जिसमें बाकी रंगों की मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं होती। विधवा महिला के तन पर सफेद रंग ये दर्शाता है कि अब उसके जीवन में किसी भी रंग के लिए जगह नहीं रही। ऐसे में अगर आप सफेद रंग पहनती हैं, तो आप पति की मृत्यु का कारण बन सकती है, इसलिए हो जाइए सावधान। वहीं अगर सफेद रंग का वस्त्र आप पहनना ही चाहे तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग जरूर हो, लेकिन एकदम सफेद रंग का कपड़ा कभी भी ना पहने। वहीं कुंवारी लड़कियां सफेद कपड़ा पहन सकती है। दोस्तों, नंबर दो, सोना धातु। इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने का पायल और बिछुआ पहन लेती है, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैर में सोने से बनी कोई भी चीज आपको नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे कुबेर महाराज का अपमान माना जाता है, जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसलिए सोने को पैर में कभी भी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाइए सावधान। दोस्तों, आइए जानते हैं नंबर तीन, सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, इसे वो अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपके पवित्र रिश्ते को कोई और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकता है, इसलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सूत्र सोने या पीतल से भले ही ना बना हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती है और काला हिस्सा भगवान शिव। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिला मंगलसूत्र ना पहनती हो तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है, इसलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। दोस्तों, एक महिला के लिए सुहाग से जुड़ी निशानियां जैसे चूड़ियां, मंगलसूत्र, पायल, सिंदूर और पैरों की बिछुआ बहुत ही महत्व रखती है, लेकिन खासकर यहां हम इस वीडियो में आज बिछुआ की बात करने वाले हैं। शास्त्रों के अनुसार पैरों में बिछियां पहनने से न सिर्फ फायदे मिलते हैं, बल्कि इससे पति पर विपदा भी नहीं आती और संकट भी दूर रहते हैं। अक्सर महिलाएं पैरों में बिछियां उतारते समय कई गलतियां कर देती है, जिसके कारण उनके पति पर संकट आ जाते हैं। पैरों में बिछियां पहनते समय और इसे उतारते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, माँ लक्ष्मी बहुत ही प्यारी है और चंचल स्वभाव के कारण वो अपने भक्तों से कभी ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह सकती। अगर आप माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है।
दोस्तों, अगर आप भी अपने पैरों में बिछियां उतार देते हैं या आप बिछियां उतारते समय ये गलतियां करते हैं तो ऐसे में घोर अनर्थ होता है। ऐसे में आप पुराना बिछुआ बदलते समय ये गलतियां कभी भी ना करें, जो इस वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हिंदू मुस्लिम महिलाएं दोनों ही पैरों में बिछियां पहनती है, लेकिन पैरों में ऐसी बिछियां कभी भी नहीं पहननी चाहिए जो आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर दे। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को जान ले कि अगर आप शादीशुदा है तो आपको पैरों में बिछियां जरूर पहनना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसे पति की निशानी माना जाता है। पति पर कोई भारी विपदा ना आए इसलिए महिलाओं को पैरों में बिछियां जरूर पहननी चाहिए, और वहीं कुंवारी कन्याओं को पैरों में बिछियां नहीं पहननी चाहिए, इससे उन्हें घोर पाप लगता है। दोस्तों, पुराना बिछुआ उतारते समय और नया बिछुआ पहनते समय महिलाओं को कई सावधानियां बरतनी चाहिए, नहीं तो आपके पति पर कष्ट आ सकते हैं। नया बिछुआ पैरों में पहनते समय हमेशा उसे सटा कर पहनना चाहिए और पुराना तुरंत उतार देना चाहिए। ऐसे में नया बिछुआ तुरंत पैरों में आ जाता है और कष्ट भी नहीं आते। शास्त्रों के अनुसार किसी भी महिला को थोड़े समय के लिए भी अपने पैरों से बिछियां अलग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इसे सुहाग की निशानी होने के कारण कभी किसी महिला को अपनी बिछियां कभी किसी को देनी भी नहीं चाहिए, इसे पाप माना जाता है। अगर आप पुराना बिछुआ नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इसे कहीं पर संभाल के रख दें। बिछुआ फेंकना भी गलत है, इसे पाप माना जाता है। दरअसल बिछुआ आपके अस्तित्व से जुड़ा होता है, जो आप दोनों के प्रेम को दर्शाता है, इसलिए बिछुआ कभी किसी को भी नहीं दिया जाता। इससे वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है, क्योंकि ये आपके प्यार की निशानी है। दोस्तों, बिछुआ न केवल पति की निशानी होती है बल्कि महिलाओं में कई बीमारियां भी ठीक हो जाती है। आपको बता दें, चांदी के गहने चंद्रमा की शीतलता का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए कमर के ऊपर सोने और कमर के नीचे के अंग में चांदी के आभूषण पहने जाते हैं। पैरों में बिछियां पहनने से पृथ्वी की कुदरती ऊर्जा ठीक होकर आपके शरीर में आती है, जो मानसिक तनाव को भी कम करने में मददगार होती है और तन मन तरोताजा बना रहता है। ऐसे में महिलाओं को मासिक चक्र में भी अगर समस्या है तो वो भी ठीक हो जाती है, और पेट में पल रही संतान फलीभूत होती है। संतान को कोई भी पीड़ा नहीं होती। महिला का ब्लड सर्कुलेशन भी कंट्रोल में रहता है। पैरों में बिछियां पहनने से दिमाग ठंडा रहता है और किसी भी तरह की बीमारियां प्रवेश नहीं करती। दोस्तों, पैरों में बिना किसी कारण अचानक से बिछियां टूट जाए तो अशुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी पर कष्ट आते हैं और दोनों के बीच वाद विवाद हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मंगलसूत्र का अचानक से टूट जाना, पैरों की पायल अचानक से टूट जाना किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा करता है। ऐसे में महिला के गहने गुम होने पर भी अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी आपसे नाराज है, क्योंकि आभूषण माता लक्ष्मी की ही देन है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।